Hello students, today we are going to discuss about BCom first year subject that is currency banking and exchange. यहाँ पे हम लोग first अब आज पढ़ने जा रहे हैं currency banking and exchange के बारे में. तो हमारे जो ये first unit है वो हमारा 6 parts में divide है. First question में हम लोग पढ़ेंगे money and its functions, यानी कि money क्या होता है, money के functions क्या होते हैं. Second में हम लोग पढ़ेंगे कितने forms of money हैं. हमें जैसे जनरली पता है कि मनी तो मनी होता है, बट ऐसा नहीं है. मनी के बहुत से फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में मनी यूज़ होता है, एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है. नेक्स्ट इज़ मॉनेटरी स्टैंडर्ड एंड इट्स टाइप. मॉनेटरी स्टैंडर्ड क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नोट इशू, यानी कि जो करेंसी इशू होती है वो किस बेस पे होती है, किस तरीके से होती है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी. नेक्स्ट इज़ इंडियन मनी मार्केट, इंडिया का मनी मार्केट कैसा है. एंड लास्ट इज़ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो कि फिशर ने दी थी कि हम लोग सर्कुलेशन और वेलोसिटी ऑफ मनी कैसे होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मनी एंड इट्स फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस. मनी इज़ अ कमोडिटी विच हैज़ अ लीगल स्टेटस एंड जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यानी कि मनी एक कमोडिटी है जिसका लीगल स्टेटस है एंड जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम लोग मनी को बाकी चीज़ों से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. जैसे कि हम लोग तो ये भी कह सकते हैं कि भाई एक कागज़ का टुकड़ा हमने लिया, उस कागज़ के टुकड़े पर हमने लिख दिया 100 रुपीज़. अब उस 100 रुपीज़ को लिखने के बाद हमने क्या कहा कि जाओ भैया ऐसे सामान खरीदो, तो क्या उससे पॉसिबल है सामान को खरीदना? इट इज़ नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ये चीज़. क्यों है? क्योंकि भाई हमें तो नहीं दिख रहा कि भाई उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक स्टैंप लगी है कि नहीं, वो सेम वैसे ही है कि नहीं जैसे बाकी करेंसी जो इशूड होती है गवर्नमेंट के थ्रू, ये सब चीज़ें हैं कि नहीं. हमें RBI के बारे में भी देखना होता है, गवर्नर का साइन भी देखना होता है. तो ये जो चीज़ें होती हैं ये शो करती हैं कि दैट पेपर इज़ हैविंग अ लीगल स्टेटस, तभी हम उसे बोल सकते हैं कि वो मनी है. यानी कि इसका मतलब समझ में आ गया होगा, मनी वो कमोडिटी है जो कि लीगल स्टेटस को शो करती है. यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर मॉनेटरी अथॉरिटी होगी उसके थ्रू वो इशू होती है, तब उसे वो लीगल स्टेटस मिलता है. एंड जनरली एक्सेप्टेबल, यानी कि अगर आप इंडिया के किसी भी पार्ट में जाके चीज़ों को परचेज करते हो, चाहे आप पंजाब में जाओ, तमिलनाडु में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, गुजरात में जाओ, यूपी में रहो, तो वो पर्टिकुलर करेंसी आपको हर जगह पे यूज़ करके आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर सकते हो, यानी आप चीज़ों को खरीद और बेच सकते हो. तो यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मनी वो कमोडिटी है जिसका लीगल स्टेटस है और जिसको हर जगह पे सेम तरीके से एक्सेप्ट किया जाए. एनीथिंग विच इज़ मनी दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मनी वो है जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू मतलब तरीके से हर जगह पे एक्सेप्टेबल है. ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट मनी शुड बी कम्पोज ऑफ एनी प्रीशियस मेटल. ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रीशियस मेटल हो तभी हम उसे मनी कहेंगे. यानी कि अगर एक कागज़ का टुकड़ा अगर RBI से अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, दैट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ मनी. देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, मनी कैन बी डिफाइंड एज एनी थिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू. यानी कि मनी कोई भी एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि जनरली एक्सेप्टेबल है, यानी कि सब जगह एक्सेप्टेबल है. क्यों है मैंने बताया अभी आपको. अब सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि जब भी हम बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, तो हम मनी से अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर महंगा है तो मे भी हाँ ज़रूर इसकी क्वांटिटी या क्वालिटी अच्छी होगी. यानी कि जो वैल्यू हम परचेज कर रहे हैं उसको मेजर करने में कौन हेल्प करता है, मनी. मनी से हमें पता चलता है कि जो भी चीज़ हम परचेज कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ हाउ मच क्वांटिटी एंड हाउ मच क्वालिटी, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये होता है कि मनी के फॉर्म में ही हम अपनी चीज़ों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, आगे अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, यानी मनी के फॉर्म में हम चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं. नेक्स्ट अब हमें देखो ये देखना है कि जब मनी नहीं था तो कैसे चीज़ें एक्सचेंज होती थी, तब उस टाइम जो चीज़ प्रिवेल करती थी दैट वॉज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम. यानी बार्टर सिस्टम क्या है, इन विच गुड्स फॉर एक्सचेंज फॉर गुड्स टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल. यानी कि डेफिनेशन में क्या बोला गया है, द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक गुड्स फॉर वन अनदर इज कॉल्ड बार्टर. यानी कि जब गुड्स एंड गुड्स को गुड्स से ही एक्सचेंज किया गया दैट वॉज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम. नेक्स्ट इज
पॉसिबिलिटी क्यों थी, बार्टर सिस्टम क्यों प्रिवेल कर रहा था। भाई हम लोग उस टाइम मनी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे, बट उस टाइम मनी क्यों नहीं इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि सोसाइटी ने उस लेवल तक सोचा ही नहीं था। व्हाट वर द रीजंस? फर्स्ट वाज द सोसाइटी वाज अनसिविलाइज्ड। कोई बहुत ज़्यादा मतलब जैसे होता है आजकल हमें एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन करना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है, बट उस टाइम सोसाइटी वॉज अनसिविलाइज्ड, बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन नहीं था, इसलिए गुड्स को ही गुड्स से एक्सचेंज करके लोग अपनी नीड्स को फुलफिल कर लेते थे। और नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन वॉज लिमिटेड। जब प्रोडक्शन ही लिमिटेड था तो गुड नीड्स भी जो थी वो लिमिटेड थी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के बारे में नहीं सोचा जाता था। द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स वॉज रिस्ट्रिक्टेड इन अ लिमिटेड एरिया बिकॉज ऑफ लेस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी लेस थी, इस वजह से जो इंडिविजुअल्स का मूवमेंट था वो भी रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड एरिया में था, इस वजह से बहुत ज़्यादा नीड नहीं अराइज होती थी, तो मनी के कॉन्सेप्ट पर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। बट जब ये धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी, धीरे धीरे सोसाइटी आगे बढ़ी, तो ये देखा गया कि बार्टर सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि नुकसान दे रहे हैं सोसाइटी को, जिनकी वजह से सही से मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है, चीज़ों को स्टोर नहीं किया जा रहा है, आगे के लिए फ्यूचर को रिटेन नहीं किया जा पा रहा है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज देखो क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स इम्प्लाइज दैट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स वुड टेक प्लेस ओनली व्हेन बोथ द इंडिविजुअल्स रिक्वायर ईच अदर्स गुड्स। डबल कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है, इत्तेफाक। अब मैं इसको ब्रेक करके बताती हूँ, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सोचा जाता था कि इत्तेफाक से ही जो ए पर्सन चाहता है वो बी के पास हो और जो बी पर्सन चाहता है वो ए के पास हो। तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था कि जो वॉन्ट्स थी यानी जो दो पर्सन के बीच में वॉन्ट्स थी वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे की नीड को फुलफिल कर लें, तो ये तो हर केस में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा था, जो फर्स्ट ड्रॉबैक था कि बार्टर सिस्टम में ये कंपल्सरी था कि अगर जो ए चाह रहा है वो बी के पास हो, जो बी चाह रहा है वो ए के पास हो। सपोज ए चाह रहा है कि उसको एक बोरी गेहूं चाहिए बी से और बी चाह रहा है कि उसे एक बोरी चावल चाहिए ए से, अगर दोनों की नीड्स एक दूसरे को फुलफिल नहीं कर पाए तो ये क्या होता था, ये ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाता था। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो डिसएडवांटेज था दैट वॉज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। नेक्स्ट इज कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं थी कि जो भी चीज़ हम परचेज कर रहे हैं उस वो किस वैल्यू का थी। जैसे मैंने अभी बोला ना, मनी के बाद मेजरमेंट ऑफ वैल्यू अपने आप पता चल गया कि क्या चीज़ हम खरीद रहे हैं उसका मेजरमेंट क्या होगा, बट उस टाइम यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि कोई कॉमन मेजरमेंट ही नहीं था जिससे कि हम वैल्यू को मेजर कर सकें। इट कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ बार्टर सिस्टम। इन बार्टर सिस्टम देयर इज़ नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, देयरफॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एनी फिक्स्ड रेशियो फॉर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि ये बहुत मुश्किल था कि भाई हम जो चीज़ों को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं क्या एग्जैक्ट उतने ही रुपए का या उतनी ही कमोडिटी का हमें खरीदना चाहिए था या नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, सपोज कोई इंडिविजुअल है जिसने कि गेहूं को खरीदा है कपड़े के बदले, बट अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो क्या आपके दिमाग में कोई इमेज बन रही है कि जितना गेहूं खरीदा उसके बदले क्या हम कपड़ा पकड़ा रहे हैं, तो क्या ये एक्सचेंज सही हुआ, ये हमें नहीं समझ में आता था। तो इस वजह से क्या होता था कि कोई भी कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू नहीं थी। नेक्स्ट वॉज इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वॉज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ गुड्स दैट लूज देयर यूटिलिटी इफ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। यानी कि जैसे सपोज किसी ने एक ऊंट खरीदा, वन कैमल खरीदा इज इक्वल टू टू हॉर्सेज, यानी कि ये बता रहा है कि अगर एक इंडिविजुअल को एक हॉर्स खरीदना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ कैमल के बराबर। तो यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हम चीज़ों को डिवाइड नहीं कर पाते थे। जैसे कि क्या होता है, हम लोग सपोज बाजार में कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, अ डजन, डजन का मतलब क्या हुआ कि उसमें 12 क्वांटिटी होंगी, हमने डिवाइड कर लिया एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की क्या वैल्यू होगी एज पर द मनी, बट उस टाइम पे डिविजिबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती थी। नेक्स्ट वॉज स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे कि अभी मैंने बताया था ऊपर आप लोगों को, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब यानी कि कमोडिटीज़ को हम लोग फ्यूचर के लिए रिटेन करके नहीं रख पाते थे क्योंकि वो पेरिशेबल होती थी, भाई जल्दी ख़राब हो जाती थी, खर्च हो जाती थी, क्वालिटी भी जो होती थी वो टाइम टू टाइम डिक्लाइन होती रहती थी, जगह चाहिए होती थी गुड्स को स्टोर करने के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती थी। और
अगर गुड्स को मेंटेन भी किया तो उस पर एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हाई होते थे. नेक्स्ट वॉज डिफर्ड पेमेंट्स. डिफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोनमेंट ऑफ पेमेंट, पेमेंट को पोस्टपोन करना. तो ये सबसे मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक था. डिफर पेमेंट्स इन्वॉल्व दोज पेमेंट्स दैट आर मेड सम टाइम इन फ्यूचर. यानी कि कुछ पेमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हम सोचते हैं फ्यूचर में करें. जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल मनी का ले लेते हैं, बहुत ईजी तरीके से है. सपोज आपने बैंक से लोन लिया, हमने लोन ले लिया, हमें मनी मिल गया, हमने उसे आज इन्जॉय कर लिया, हमने उस चीज़ को यूज़ कर लिया. और पेमेंट क्या होता है, विद इंटरेस्ट हम बाद में पेमेंट कर देंगे. करेंटली तो हम पे बर्डन नहीं पड़ रहा है ना. तो इससे क्या होता है, सिस्टम बहुत इफ़ेक्टिव और फ्लेक्सिबल बनता है. बट बार्टर सिस्टम में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी. आप पेमेंट्स को डिफर नहीं कर सकते थे, आगे नहीं कर पाते थे, आगे के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते थे. तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि एग्जांपल इंटरेस्ट था, रेंट, लोन एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब चीज़ें हम लोग फ्यूचर में पोस्टपोन कर सकते हैं. बट बार्टर सिस्टम में जब कमोडिटीज़ को ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज़ किया जाता था तो पेमेंट्स को डिफर करना बहुत मुश्किल था. आफ्टर दैट देखो, अब हम लोग को ये देखना है इवोल्यूशन ऑफ मनी. मनी कितने फॉर्म्स में आया और फाइनली जो आज हम मनी यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करता है. फर्स्ट इज़ कमोडिटी मनी. कमोडिटी का मनी का मतलब होता है बार्टर सिस्टम, यानी व्हेन कमोडिटीज़ वर एक्सचेंज विद ईच अदर. ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज कमोडिटी मनी. फिर आया मेटालिक मनी. मेटालिक मनी आपने सुना होगा, राजा महाराजाओं के टाइम पे सिक्के चलते थे, दैट इज़ फुल ऑफ गोल्ड और फुल ऑफ सिल्वर या कुछ कंटेंट होता था, दैट वॉज कॉल्ड एज मेटालिक मनी. वैसे मेटालिक मनी मेनली उसको बोलते हैं व्हेन इट्स फेस वैल्यू एंड मेटालिक वैल्यू इज इक्वल. यानी कि जितना उसको बनाने में खर्चा आ रहा है उतना ही उस कॉइन पे लिखा हो तो दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक मनी. मेनली ये गोल्ड और सिल्वर के ही होते थे. नेक्स्ट इज पेपर मनी. पेपर मनी जो हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग पेपर नोट्स यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेपर मनी. नेक्स्ट इज प्लास्टिक मनी. प्लास्टिक मनी को मेनली आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड. ये जो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज प्लास्टिक मनी. दैट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक और हम उसको मनी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. लास्ट इज बैंक और क्रेडिट मनी. यानी कि बैंक और क्रेडिट मनी का मतलब ये हुआ कि जो चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू हम पेमेंट करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करता है बैंक एंड क्रेडिट मनी पे. अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ मनी पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब मैं धीरे धीरे इसी से आपको सिग्निफिकेंस भी बताती जाऊंगी, क्योंकि फंक्शन से ही आपको ये पता चलेगा कि मनी की इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में. फंक्शंस ऑफ मनी. फर्स्ट इज़ प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन का मतलब जो बेसिक फंक्शन है वो मनी के दो होते हैं, बिल्कुल जनरल, दैट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल एज द पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज ऑफ विच बाइंग एंड सेलिंग इज पॉसिबल. यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, मनी की वजह से, यानी मनी हमें क्या इंपॉर्टेंस दे रहा है जिससे कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं. मनी की ही वजह से बाइंग एंड सेलिंग की जो एक्टिविटी है दैट इज़ पॉसिबल. मेजर ऑफ वैल्यू, बिकॉज ऑफ मनी इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. मनी कैन स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ एन आइटम एज पर द परचेज वैल्यू ऑफ कमोडिटी. यानी मनी की वजह से हमें ये पता चल जाता है कि भाई जो चीज़ हम खरीद रहे हैं क्या वो सही क्वान्टिटी में हमें मिल रही है, क्या वो सही क्वालिटी में हमें मिल रही है. ये सारी चीज़ें हमें मनी से पता चलती हैं. तो मनी ने हमें हेल्प करा एक्सचेंज करने में. मनी ने हमें बताया कि जो चीज़ हम परचेज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं. यानी ये सिग्निफाई भी कर रहा है, सिग्निफिकेंस भी प्रोवाइड कर रहा है और फंक्शन भी बता रहा है. सेकेंड इज सेकेंडरी फंक्शन. अब इसमें तीन पार्ट्स में डिवाइडेड. फर्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू. यानी कि मनी की वजह से हम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को पॉसिबल कर सकते हैं. मनी की वजह से हमारे पैसे को हम सेव कर सकते हैं और फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं. स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. जैसे कि अभी मैंने बताया, पहले बार्टर सिस्टम में कोई भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं था. मतलब जब एब्सेंस ऑफ मनी था तो हम अपनी चीज़ों को पोस्टपोन नहीं कर पाते थे. भाई कभी कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोन लेते हैं तो आसानी रहती है कि हम फ्यूचर में उसका पेमेंट करें. बट उस टाइम ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी. बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हम अपने पेमेंट्स को आगे के लिए पोस्टपोन कर पाते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में. नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. यानी कि कोई भी असेट है, सपोज किसी ने कहीं पे किसी सिटी में घर खरीदना है और वो दूसरी जगह जा रहा है, ट्रांसफर ले रहा है, तो क्या वो पूरा घर उठा के ले जाएगा? नहीं ले जाएगा ना. तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर असेट या जो भी वैल्यू है उसे मनी में कन्वर्ट करता है और उस मनी वैल्यू को अपने साथ लेके जाता है. तो यानी कि मनी की वजह से इजी हो गया कि हम अपनी वैल्यू को ट्रांसफर कर पाएं.
नेक्स्ट इज कॉन्टिजेंट फंक्शंस, यानी कि मनी कैसे इकोनॉमी में हेल्प करता है चीज़ों को बेस बनाने, यानी कि मनी एक बेस बनता है जिससे कि इकोनॉमी में फाइनेंशियल फंक्शंस आगे परफॉर्म हो सकते हैं. फर्स्ट इज बेसिस ऑफ क्रेडिट. मनी ऑल्सो प्रोवाइड बेसिस फॉर बैंक क्रेडिट, यानी कि बैंक में अगर लोन दिया जा रहा है तो वो हमेशा उसका बेस मनी ही होगा. नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ अकाउंटिंग. All trading are done domestically or internationally are recorded in terms of money. यानी जितनी भी trading होती है, चाहे वो export import के form में हो, चाहे वो state में हो trading हो, ये सारी चीज़ें money के terms में ही record होती हैं. Next is it supports banking facility. आप किसी भी bank में जाओगे हमेशा आप देखोगे lending है, investments है, savings हो रही हैं, सब कुछ money के ही form में होता है. Liquidity to wealth, जितनी भी wealth है, चाहे land है, machinery है, stocks है, इन सब को हम लोग मनी के टर्म्स में ही कन्वर्ट करके रिकॉर्ड भी करते हैं और यूज़ भी करते हैं. लास्ट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन. मनी हेल्प करता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को कि वो अपने मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर कर सके. कैसे? अब जैसे सपोज किसी भी पर्सन ने अपना बिजनेस सेट करा है, उसे मतलब ये जानना है कि भाई मुझे कितना बेनिफिट हुआ, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो क्या करता है? अकाउंट्स को मेंटेन करता है. अकाउंट्स को मेंटेन करता है इन द टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि क्या बोला जा रहा है, मनी के ही टर्म्स में वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करता है. तब उसे पता चलता है कि उसे कितना बेनिफिट हुआ. सेम कंज्यूमर भी कब जब कोई सामान खरीद के लाता है तो उसे मनी के ही टर्म्स में पता चलता है कि भाई हाँ मैंने ये चीज़ खरीदी तो मुझे फ़ायदा हुआ. तो ये सारी चीज़ें हमारी कंटिजेंट फंक्शंस में आती है. एंड नेक्स्ट इज डायनेमिक फंक्शन. डायनेमिक का मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी के लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, नेशनल लेवल पे मनी क्या क्या चीज़ों में हेल्प करता है. फर्स्ट इज मनी हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन. मनी डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? जब फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कॉजेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल है जब तक ये चारों चीज़ें अगर ना हो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जब तक ये चारों चीज़ें नहीं होंगी प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इनमें भी जो रिवॉर्ड मिलता है, मीन्स इन ये पर्टिकुलर कॉजेज के बदले जो चीज़ मिलती है, मीन्स जो रिटर्न मिलता है, दैट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ मनी. लाइक लैंड पे रेंट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, लेबर को वेजेस मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, एंड एंटरप्रेन्योर इन्जॉयज प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ मनी. नेक्स्ट इज नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन. नेशनल इनकम को भी हम मनी की ही वैल्यू में डिटरमाइन करते हैं. नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री विद नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मनी. प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर, यानी तीनों सेक्टर्स से कंबाइंड होके जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री प्रोड्यूस होती हैं, प्लस हमारी ही कंट्री की जो इनकम है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जब उसे कंबाइंड करते हैं तो हमें मिलती है नेशनल इनकम, जो कि मनी के ही टर्म्स में रिकॉर्ड होती है. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन प्राइस लेवल. प्राइस लेवल से ही पता चलता है कि भाई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया है कि डिफ्लेशन आया है, वो भी हमें मनी से पता चलता है. अगर राइज इन प्राइस लेवल है दैट विल बी यानी कि राइज इन मनी सप्लाई है तो वो बताएगा इन्फ्लेशन, अगर डिक्लाइन इन मनी सप्लाई है तो वो बताएगा डिफ्लेशन. तो यानी ये भी मनी के टर्म्स में ही पता चलता है. नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम कैन ब्रिंग फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद विच इट इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. यानी कि जितना भी मॉनेटरी सिस्टम है, अगर मॉनेटरी सिस्टम में ढंग से पैसे को डिवाइड किया जा रहा है या प्रॉपरली एलोकेट किया जा रहा है तो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली एंड प्रॉपरली यूटिलाइज होते हैं, जिससे कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है. क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन विल इंक्रीज. जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज. एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज द इनकम, देयर इनकम. इनकम इंक्रीज होगी तो फिर लोगों की सेविंग इंक्रीज होगी, और अगर सेविंग इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, और यही और सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मेजर करने में मेजर रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल. मनी जो है वो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है. अगर कैपिटल सही जगह पे सही टाइम पे इन्वेस्ट किया जाए तो वो बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवली रिसोर्सेज को यूज़ करने में हेल्प करता है. तो यानी कि मनी की वजह से कैपिटल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है. एंड लास्ट इज गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट जब बजट बनाती है, ठीक है,
तो वो हमेशा क्या करती है, मनी के फॉर्म में बनाती है. लाइक गवर्नमेंट अपनी इनकम को रजिस्टर्स करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, फीस, पेनल्टीज, ये सारी चीज़ें मनी के फॉर्म में ही रिकॉर्ड होती हैं. अपने जब वो एक्सपेंडिचर को शो करती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में खर्चा करा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में खर्चा करा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में खर्चा करा, तो ये सारी चीज़ें मनी के ही फॉर्म में होती हैं. तो यहाँ पर आप लोग सिग्निफिकेंस भी समझ गए होंगे. मनी की वजह से गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलती है, बैंक्स को भी हेल्प मिलती है, कंज्यूमर को भी हेल्प मिलती है, प्रोड्यूसर को भी. तो ये सारी चीज़ें मनी की वजह से ही पॉसिबल है. अदर फंक्शंस में जैसे कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत कॉमन है वो मैं बता रही हूँ. लाइक मेंटेनेंस, रीपेमेंट कैपेसिटी एंड लेंडिंग लोन्स, यानी कि जब भी कोई लोन को रीपे करता है तो वो हमेशा मनी के टर्म में करता है. इंटरनेशनल एक्सचेंज भी पॉसिबल है मनी के टर्म्स में, यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी मनी के ही टर्म्स में पॉसिबल है. हेल्प्स इन मेकिंग बजटरी डिसीजंस, अगर किसी भी कंपनी को, गवर्नमेंट को बजट से रिलेटेड डिसीजंस बनाने, कितना खर्च करे, कितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंग खर्च करे, कितना मतलब कितना उसको रिसीव होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, ये सारे डिसीजंस मनी के टर्म्स में होते हैं. इट हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ वेरियस ट्रेड एक्टिविटीज़, जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती है विद इन द स्टेट, विद इन द सिटी, विद इन द कंट्री, ये सब कुछ मनी के टर्म्स में होती है. मनी हेल्प्स इन सपोर्टिंग द कंज्यूमर रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग ऑफ द फॉलोइंग. मनी कंज्यूमर को हेल्प करता है 3 मोटिव्स को फुलफिल करने में. दैट इज़ फर्स्ट इज ट्रांजैक्टिव मोटिव. ट्रांजैक्टिव मोटिव शो करता है जो डेली एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर होते हैं. कंज्यूमर के जो डेली के एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें भी वो मनी के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है. फिर जब उसके डेली एक्सपेंडिचर पूरे हो जाते हैं तब आता है उसका मोटिव प्रिकॉशनरी, यानी कि वो अपने फ्यूचर को बचाना चाहता है कि अगर मेरे जिस कोई भी पर्सन है अगर उसकी रोज़ की चीज़ें खत्म हो गई, मतलब कि जैसे रोज़ के एक्सपेंडिचर खत्म हो गए, तो सीधी सी बात है ना वो अपनी इनकम में से अपनी सेविंग से ही सोचेगा कि भाई मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लूँ, इमरजेंसीज आए, कोई एक्सीडेंट हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो उससे मैं उबर सकूँ, यानी उस चीज़ से मैं अपने आप को सेव कर सकूँ. तो यानी कि वो दैट स्क्वाड वो क्या कहलाता है, प्रिकॉशनरी मोटिव, यानी मनी ही हेल्प करता है फ्यूचर को सिक्योर करने में. नेक्स्ट इज स्पेक्युलेटिव मोटिव, यानी कि जब किसी भी पर्सन की एक तरीके से डेली एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो जाती है, वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लेता है, तब वो क्या चाहेगा कि वो मनी को मल्टीप्लाई करे. दैट इज कॉल्ड अ स्पेक्यूलेशन. वो होता है स्पेक्यूलेटिव मोटिव, यानी कि वो मनी को ट्रिपल करना चाह रहा है, 4 times करना चाह रहा है, 5 times करना चाह रहा है, तो वो आगे के लिए और ज़्यादा रिवॉर्ड और प्रॉफिट को कमाना चाहता है. तब क्या होता है, कंज्यूमर अपने ट्रांजैक्टिव, प्रिकॉशनरी और स्पेक्यूलेटिव मोटिव जो होते हैं वो मनी के टर्म्स में ही मेजर करता है और कंप्लीट करता है. अब देखो एडवांटेज क्या है, जब भी एक लाइन लिखी रहेगी मनी इज़ अ गुड सर्वेंट, यानी मनी एक अच्छा सर्वेंट है, आपके दास की तरह आपको हेल्प करेगा. तो यानी कि वो क्या एडवांटेजेस बता रहा है, लाइक मनी किस में हेल्प करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होता है इकोनॉमी में कंट्री का, तो वो मनी के टर्म्स में पता चलता है. कॉमर्स को इनक्रेज करता है, नेशनल इंटीग्रिटी, यानी आपस में सब जुड़ते हैं, कॉमर्स ट्रेड होगा तो जुड़ेंगे सब लोग. कंज्यूमर को हेल्प करता है उनकी सेविंग और परचेजिंग पावर को बढ़ाने में, जितना पैसा होगा कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो उतना खरीद पाएगा. प्रोड्यूसर को हेल्प करता है कि वो क्या प्राइसिंग करे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, कैसे प्रमोट करे, कैसे कंज्यूमर को बेनिफिट दे, सब कुछ मनी के टर्म्स में. बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को उसने हटाया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, कैपिटल को कहाँ पे किस टाइम पे कैसे इन्वेस्ट करना है सब कुछ मनी के टर्म्स में पता चलता है. नेक्स्ट इज लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि वे ऑफ लिविंग, वो कैसे अपने आप को सोसाइटी में मेंटेन कर रहे हैं, ये सब कुछ मनी पे ही डिपेंड करता है. लोग मनी को ही खर्च करके अपना एक स्टैंडर्ड बनाते हैं सोसाइटी में. तो यानी कि मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर किसी, मतलब इकोनॉमी में या सोसाइटी में जितने भी लेवल हैं, लाइक कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, कोई शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, कोई भी है, हर किसी के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है. बट अब यहाँ पे हम डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं, मनी इज अ बैड मास्टर, यानी कि अगर एक्सेसिव, जरूरत से ज्यादा मनी हो जाएगा या इलीगल तरीके से हो जाएगा तो वो एक बैड मास्टर भी हो सकता है, यानी कि वो आपको अपने हिसाब से नचा भी सकता है, अपने हिसाब से भी काम करवा सकता है. फर्स्ट पॉइंट इज मनी एनकरेजेस फ्रॉड, ग्रीड, स्कैम्स, होर्डिंग, इलीगल स्पेक्यूलेशन एक्सेट्रा. मनी की ही वजह से फ्रॉड होते हैं, लालच लोगों में आती है, धोखाधड़ी होती है, स्कैम्स
होते हैं, घोटाले होते हैं। होर्डिंग मीन्स लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कमोडिटीज़ की जो प्राइस है वो बढ़ जाते हैं, लाइक ड्राई वेजिटेबल्स जैसे आलू प्याज क्या होता है एकदम से बढ़ जाता है। तो उसका रीज़न हमेशा ये नहीं होता है कि स्केर्सिटी है, उसका रीज़न ये भी होता है जैसे दाल हो गई, आलू प्याज और सूखी सूखी चीज़ें होती हैं उनको एक जगह होर्ड करके रख लिया जाता है, जमाखोरी इसको हिंदी में बोलते हैं, एक जगह इकट्ठा करके रख लिया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो एट प्रेजेंट नीड है वो फुलफिल नहीं हो पाती। तो ये सब इलीगल एक्टिविटीज़ में आती है। इलीगल स्पेकुलेशन मतलब जो गैम्बलिंग वगैरह होती है, इलीगल तरीके से आप मैच में लगा रहे हो पैसा, कुछ भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मनी की वजह से भी पॉसिबल है। यानी कि मनी एक बैड मास्टर की तरह भी काम करता है और डिसएडवांटेज प्रोवाइड करता है। मनी की वजह से इन्फ्लेशन आता है, उसके बाद मनी डिस्ट्रीब्यूट्स द इकनॉमी एंड सोसाइटी एज पर द डिफरेंट क्लासेस। यानी मनी ही डिस्ट्रीब्यूट करता है इकनॉमी को और सोसाइटी को एज पर डिफरेंट क्लासेस। ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मनी से ही हम जानेंगे कि कौन लोअर लेवल पे आता है, कौन लोअर क्लास इनकम ग्रुप है, कौन मिडिल क्लास इनकम ग्रुप है, कौन हायर क्लास इनकम ग्रुप है। यानी कि ये सारी चीज़ें हमें मनी से ही पता चलती हैं। तो ये आज हमने पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें हमारी आती हैं फंक्शंस में, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस में आती हैं, और मनी कैसे हमें एडवांटेज भी दे सकता है और मनी कैसे हमें डिसएडवांटेज भी दे सकता है। सो नेक्स्ट हम लोग क्लास में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी क्या है और कैसे उनका यूज़ है। थैंक यू सो मच क्लास।